हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आर्यन त्यागी और आप देख रहे हैं सीरे समाचार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगना चाहूंगा अपनी पिछली वीडियो के अंदर यूज़ किए गए एक मीम के लिए। मुझे पता है कि वो मीम मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था और कुछ लोगों को वो मीम देखने के बाद में काफ़ी असहज महसूस भी हुआ है, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी और ना ही आगे की किसी भी वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह की अब्यूजिंग यूज़ करने वाला हूँ। तो आप सभी से मैं एक बार फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ। 11 जून 2021 इस डेट को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसा होने वाला है जो अब से पहले कभी भी इस चैनल के ऊपर नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस चैनल के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ और ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है एक ट्रेलर की। जो ट्रेलर है हसीन दिलरुबा फिल्म का, जो कि रिलीज़ होने वाली है 2 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर। इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलेंगी तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे मिलेंगे, विक्रांत मेसी और हंसिका मोटवानी मिलेगी। और इसे डायरेक्ट किया है विनील मैथ्यू। जिन लोगों को विनील मैथ्यू के बारे में नहीं पता है तो उन्हें बता देता हूं कि इन्होंने 2014 में आई फिल्म हसी तो फसी को डायरेक्ट किया था, जिसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आनंद एल राय, भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा आदि ने। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीने समाचार का पहला रिएक्शन वीडियो। आपने दिनेश पंथी की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। बताओ ना, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? पहली बार लड़की देखने गई, कोई पैर में पड़ता है क्या? बहू अपने हाथ से पकौड़े बना दे। पकौड़े बनाने से नहीं आते मुझे। बायोडेटा में लिखा था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है। इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना डापे ये लड़का। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको जी? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, मोटी हो, कभी कभी चुंगे। ओह, हर्षवर्धन राणे। कैसे संबंध है आपके नृत्य पार्टी के साथ? शारीरिक संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभव होता है। लवर फरार है और मैडम घुमा रही है। एक तो आप कुछ लीड हाथ आ जाए, इसको तो जेल में सड़ा डालूंगा मैं। सर डाय आशी के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त। हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना पाऊंगा। सो तापसी पन्नू यहाँ पर मास्टरमाइंड है, ये तो पता चल रहा है। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घूम रहा है। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिस पे खून के हल्के हल्के से छींटे ताकि उसे बुरी नजर ना। पहले तो इस दिनेश पंडित को घसीट के लाओ थाने में। जी सर। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यारी कैसा। हसीन दिलरुबा देख ले भाई। सो एज ऑलवेज तापसी पन्नू सेंट्रल कैरेक्टर है और उनके साथ में विक्रांत मेसी और हर्षवर्धन राणे। तो बेसिकली ये जो ट्रेलर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट है उसके अंदर दिखाया गया है कि एक तरीके से रोम कॉम ये फिल्म है, इस तरीके से दिखाया गया है। विक्रांत मेसी और तापसी पन्नू की शादी होने वाली है, आपस में हंसी मजाक चल रहा है, रोमांस चल रहा है। देन उसके बाद में आता है सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमें ये लगता है कि तापसी पन्नू जो है वो चीट कर रही है विक्रांत मेसी को, और विक्रांत मेसी अगर उनके पति हैं तो विक्रांत मेसी का कत्ल हो चुका है, जिसका इल्ज़ाम जा चुका है तापसी पन्नू के ऊपर। अब ये सब इसके अंदर क्या चल रहा है,
इतना छोड़ दिया गया। फिर आता है थर्ड पार्ट जिसके अंदर विक्रांत मिसी के कुछ सीन्स हैं जो फिर से दिखाए गए हैं, और उसमें कहीं पर एक विक्रांत मिसी का दोस्त बोलता भी है ये मेरे दोस्त को खा गई, तो उस सीन को देख करके लगता है कि शायद विक्रांत मिसी मर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है आगे चल के कि विक्रांत मिसी को चोट लगी हुई है और वो बोल रहे हैं तापसी पन्नू को कि मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला दबा दूँ। और फिर एक सीन के अंदर विक्रांत जो है वो अपने आँखों से लेंस भी हटाते हुए दिखाए गए हैं, तो उसे देख करके लगता है कि तापसी इज नॉट अ सिंगल प्लेयर। यहाँ पर विक्रांत मिसी का जो करेक्टर है वो भी ग्रे शेड्स वाला है, और हर्षवर्धन राणे का जो करेक्टर है वो तो शुरुआत से ही काफ़ी अट्रैक्टिव और हल्के से ग्रे शेड में दिखाया गया है। तो बेसिकली जो तीन मेन इसमें सेंट्रल करेक्टर हैं, तीनों के तीनों करेक्टर ग्रे शेड्स के साथ में हैं, और अभी कुछ नहीं कह सकते कि फिल्म की कहानी क्या है, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कौन कातिल है पति का और किसके साथ शादी हुई है और पति वाकई में मरा भी है या नहीं, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेलर के अंदर मुझे क्या चीज़ें पसंद आई और क्या चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। तो किसी भी फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है करेक्टराइजेशन, मतलब एक्टर्स के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस ट्रेलर को देख करके लग रहा है कि करेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है और सबको इक्वल एंड इम्पोर्टेंट स्पेस यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब वो चारों करेक्टर में चाहे कोई भी हो, हर्षवर्धन राणे हो, तापसी पन्नू हो, विक्रांत मेसी हो या फिर आदित्य श्रीवास्तव जी हो, चारों को यहाँ पर हमें डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया है और चारों को एक तरीके से हमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है ह्यूमर, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई सीरियस या फिर कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर ह्यूमर काफ़ी मिसिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर के अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर काफ़ी ह्यूमर भी दिखाया गया है, तो लगता है कि ह्यूमर का तड़का भी फिल्म के अंदर होगा। तीसरी चीज़ है वे ऑफ एडिटिंग, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस ट्रेलर की, स्पेशली जो तीन कदमों में इस ट्रेलर को मतलब हमारे सामने रखा गया है, हमारे या फिर कहें कि हमारे दिमाग के साथ में खेला गया है, वो काफ़ी अच्छा था। और डायलॉग्स किस तरीके से पिक्चर्स और वीडियोस के साथ में अटैच किए गए हैं वो बहुत ही अच्छा था। चौथी चीज़ है इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए डायलॉग्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और वाकई में कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो याद भी रह जाते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली हर्षवर्धन राणे और आदित्य श्रीवास्तव के काम को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हर्षवर्धन राणे को टैश में देखा था और आदित्य श्रीवास्तव को मैंने देखा था रात अकेली है फिल्म में, दोनों ने ही उन फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम किया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन दोनों के लिए। अब अगर उन चीज़ों की बात करें जो मुझे पसंद नहीं आई हैं, तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया, सब कुछ अच्छा ही था, मतलब एटलीस्ट ट्रेलर में तो कुछ भी खामी मुझे नज़र नहीं आई है। हाँ, बस एक चीज़ थी, मैंने जब गूगल पर इस फिल्म के बारे में सर्च किया तो वहाँ पर बताया गया कि हंसिका मोटवानी भी इस फिल्म के अंदर है, लेकिन ट्रेलर के अंदर मुझे कहीं पर वो दिखाई नहीं दी है। शायद हो सकता है कि मुझसे मिस हो गई हो या फिर जो भी कुछ हुआ है, मतलब वो एक थोड़ी सी शिकायत मेरी है। ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, इम्प्रेसिव था, फिल्म के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और जब भी ये फिल्म रिलीज़ होगी मैं इसे देखना पसंद ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मेरा जो फेवरेट सीन इस ट्रेलर के अंदर था वो था ये। हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फ़र्क बस ये होता है कि कहानी सुना पाता है। आपका फेवरेट सीन ट्रेलर के अंदर क्या था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं किन किन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करूं प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।